नमस्कार। आज की कविता है वह चिड़िया, जो लिखी है केदारनाथ जी अग्रवाल ने। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की थी। इन्हें नियमित कविता लिखने की प्रेरणा हरिऔध तथा रसाल जैसे कवियों से मिली थी। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रगतिवाद को बढ़ावा दिया। मुक्त छंद और गीति छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग इन्होंने किया। इस कविता में नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया के विषय में बताया गया है और यह चिड़िया जुंडी के यानी जवार के दानों को बहुत रुचि से खाती है और मधुर स्वर में गाती हुई जंगल में इधर उधर उड़ती रहती है और नदी के जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। इसके नीले नीले पंख अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं और इसे अनाज के दाने, जंगल, बाग, बगीचे, नदी से बहुत ज्यादा प्यार है। यह छोटी सी संतोषी चिड़िया बहुत छोटी है लेकिन गर्वीली भी है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रसे खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाले मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यह कविता जो है केदारनाथ के द्वारा लिखी गई है। ये प्रसंग है इसका और कवि ने इन पंक्तियों में नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न के दानों से प्यार के बारे में बताया है। व्याख्या की बात करें तो कवि कहता है कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं और जवार के दूध भरे दानों को खाने में उसकी रुचि है और ये उसको बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उसमें जो नए ताज़े दाना जो होता है जवार का, उसमें से बहुत मिठास भरा खाना उसे मिल जाता है और छोटी सी चिड़िया जो है संतोष करने वाली है। वह बस इतने से में ही संतोष कर लेती है कि नए ताज़ा उगे हुए अनाज को खा करके उसे बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाले मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मीठा मीठा गाना गाती है और जंगल में रहने वाले लोगों को इससे खुशी मिलती है। वह छोटे से मुंह की नीले पंख वाली सुंदर सी चिड़िया है और आसमान में मधुर गीत गाते हुए खुले रूप से उड़ती है, स्वतंत्र रूप से उड़ती है और उसे एकांत में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि ये कहता है कि चिड़िया अपनी चोंच से नदी का पानी लाती है और पानी जो है किनारों तक फुल है, यानी कि उसमें बहुत सारा पानी है, अतः जल राशि है, वहाँ से मोती ले आती है। मोती जैसा पानी बताया है यहाँ पर, पानी मोती की तुलना की है क्योंकि पानी का मोल नहीं होता है, अमूल्य होता है और चिड़िया के लिए यह प्यास बुझाने के काम आता है। चिड़िया नदी में अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है। छोटी चिड़िया को गर्व है, गर्व करने वाली चिड़िया है क्योंकि उसके पास बहुत प्यारे से नीले से पंख हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है और वह बहती हुई नदी का पानी स्वतंत्र होकर के पीना चाहती है।